जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों का। आज हम लोग निबोश इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट यूनिट IG2 का एलिमेंट नंबर 10 फायर डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। दोस्तों ये जो एलिमेंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम बहुत जल्द IG2 रिपोर्ट की आपसे डिस्कस करेंगे, उसमें भी ये हम इसका जिक्र करेंगे। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं IG2 के, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं रिपोर्ट के हिसाब से। जो रिपोर्ट आपने बनानी है तो उसमें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं, जो आपने हैजर्ड्स कैटेगरी में ये लिखेंगे और उनको आपने बताना है कि कैसे हम इसके कंट्रोल्स यूज़ करेंगे और किस तरह हमें ये फ़ायदा दे सकता है इसके प्रिकॉशंस। इस बुक में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। ठीक हो गया, तो हम आगे चलते हैं। इस जो एलिमेंट है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ फायर इनिशिएशन क्लासिफिकेशन एंड स्पेड। कैसे आग शुरू होती है, ठीक है, उसकी दर्जाबंदी क्या क्या है और जब फैलती कैसे है, ठीक है। हम प्रिंसिपल भी डिस्कस करेंगे फायर प्रिवेंशन के, ठीक है, और ये भी देखेंगे कि ये जो हम इसको आग को फैलने से बचा कैसे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग फायर अलार्म सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे और फायर फाइटिंग अरेंजमेंट्स भी देखेंगे वर्क प्लेस पे कि उसको किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। डिस्क्राइब द फैक्टर विच शुड बी कंसिडर्ड व्हेन इंप्लीमेंटिंग अ सक्सेसफुल फायर इवैक्यूएशन ऑफ अ वर्क प्लेस। और हम वो अनासर भी डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है, जो कि हमें इस्तेमाल करने चाहिए इन केस अगर आग लगती है तो लोगों को हमने वहाँ से निकालना है, इवैक्यूएट करना है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस चैप्टर में हमने फायर के बारे में डिटेल में डिस्कस करना है और उसके हमने हैजर्ड्स डिस्कस करने हैं, हमने उसके कंट्रोल्स डिस्कस करने हैं और उसका हमने ये डिस्कस करना है कि हम इसको बचा कैसे, सेपरेट होने से कैसे रोक सकते हैं। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं अपने थोड़ा तारफ कराना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद तौकीर अख्तर है, ग्रेजुएट मेंबर हूँ आयोश का, लेवल 6 डिप्लोमा किया हुआ है मैंने ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल से, निबोश सर्टिफाइड हूँ, आयोश ट्रेनर सर्टिफाइड हूँ और मेरा 15 ईयर का एक्सपीरियंस है ऑयल एंड गैस में। थैंक यू वेरी मच, आगे चलते हैं जी। 10.1 है जी फायर इनिशिएशन क्लासिफिकेशन एंड स्प्रेड। कैसे आग शुरू कैसे होती है, इसकी दर्जाबंदी कैसे होती है और ये फैलती कैसे है, ये हम इस पर डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ फायर, क्या असूल क्या है आग लगने, आग किस तरह बनती है जी। आग तीन चीजों से बनती है, हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल से। ठीक हो गया, हीट जो कि आप गर्माइश कह सकते हैं, ऑक्सीजन आपको पता ही है जो हवा में होती है O2, फ्यूल में पेंट भी आ सकता है, पेट्रोल भी आ सकता है, कोई ऑयल भी आ सकता है, डीजल भी आ सकता है, वुड भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तीन चीज़ों से मिलके ये आग बनती है। ठीक हो गया, अब फ्यूल में बता रहा है कम्बस्टिबल मटेरियल और सब्सटेंसेस कंज्यूम ड्यूरिंग द कम्बस्टन प्रोसेस। इसमें होता है क्या है कि जी कम्बस्टिबल मटेरियल जो है, जिसे आप आतिश सदगी मटीरियल कह सकते, आतिश सदगी मादा कह सकते हैं, ठीक है, वो जब एक प्रोसेस के ज़रिए मिलता है तीनों चीज़ों से तो आग लग सकती है। फ्यूल, ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन हवा के अंदर होती है जिसकी परसेंटेज बता सकता है कि 21 मैक्सिमम तो जा सकती है, ठीक है, और ये भी एक अहम किरदार अदा करता है। हीट के बारे में मैंने बता दिया कि ये एक एनर्जी देती है, गर्माइश देती है इस प्रोसेस को बनाने में। आगे चलते हैं, फायर इज अ रैपिड केमिकल प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन कंबाइंस विद अनदर सब्सटेंसेस इन द प्रेजेंस ऑफ सोर्स ऑफ हीट। ऑक्सीजन मिलती है फ्यूल के साथ, ठीक है, हीट की मौजूदगी में, तो फिर क्या बनती है, वो आग बहुत लग जाती है और इस रिएक्शन को कहते हैं कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन, तीन चीज़ों का मिलना आपस में फिर आग लग जाना, उसे कंबस्शन कहेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन हीट, फ्लेम्स एंड स्मोक आर प्रोड्यूस। धुआं भी निकलता है, फ्लेम्स निकलते हैं जैसे चिंगारियां निकलती हैं और गर्माइश निकलती है उसमें। ठीक हो गया, दर्जाबंदी बताते हैं जी फायर की कि कैसे हो सकती है क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। क्लास ए है इसकी, क्लास बी है, क्लास सी है, क्लास डी है, क्लास एफ है। क्लास ए में क्या होता है जी,
वुड पेपर प्लास्टिक यानी कि इसमें सॉलिड चीज़ आ जाती है। क्लास बी में क्या क्या क्लास बी में आती है जी, पेट्रोल आता, पेंट आता, ऑयल आता, यानी कि इसमें फ्लेमेबल लिक्विड्स आ जाते हैं, ठीक है, या लिक्विफाइड सॉलिड्स भी आ जाते हैं जैसे कि फैट्स हैं, वैक्सीज हैं, ग्रीस हैं, ठीक है, लेकिन कुकिंग ऑयल इसमें शामिल नहीं होगा। क्लास सी में कौन से होते हैं जी, जिसमें गैसेज आ जाती है जैसे ब्यूटेन है, प्रोपेन है, ठीक है। क्लास डी में क्या आएगा, मेटल्स आते हैं, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सोडियम है, ये चीज़ें इसमें आ जाएंगी। क्लास एफ में कुकिंग ऑयल्स आएंगे या आपका फैट ऑयल्स वगैरह जो आएंगे जो किचन में इस्तेमाल होते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू निबोश और अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश जो भी है स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक ये आप कह लें कि पांच क्लासिफिकेशन। ये क्लास ई भी आती है, इसको इलेक्ट्रिकल फायर भी कहते हैं, ये भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक हो गया। प्रिंसिपल्स ऑफ हीट ट्रांसमिशन एंड फायर स्प्रेड, कैसे ये आग फैलती कैसे है, आग को फैलने में कौन सी चीजें हेल्प करती है, कैसे फैलती है, उसमें बता लीजिए डायरेक्ट बर्निंग, आग लग गई सीधी बर्निंग, कन्वेक्शन इनसाइड और आउटसाइड, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे आगे पिक्चर के साथ, कंडक्शन होती है और रेडिएशन होती है, ये हम आगे जा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसको। ये देखें जी, रेडिएशन के बारे में थोड़ा बता दूं मैं आपको, कि शॉक के साथ, ठीक है, हीट से या शॉक के साथ वो आगे निकल जाती है तो आगे जाके आग लग जाती है किसी फ्लेमेबल या कंबस्टेबल मटीरियल को, ठीक है। कन्वेक्शन से क्या होता है जी, कि जो दरवाजे वगैरह हैं या कोई रास्ता थोड़ा बहुत भी उनको मिलता है जहाँ से एयर गुजर रही है तो वो आगे से आगे फैलती जाती है। और कंडक्शन भी ऐसे होता है कि जैसे कि कोई भी आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी वायर्स हैं अंडरग्राउंड हुई हुई है, क्या नाम है इसका, वायरिंग हुई हुई है, जैसे कि आप कह सकते हैं आपने देखा होगा कि शॉर्ट सर्किट से आग लगती है तो वो आग पूरे घर में चली जाती है, ठीक है, तो वो कंडक्शन से ही वो आगे फैलती है। अच्छा, अब आग जो है वो लगने की कोई ना कोई वजह होती है, या तो आप खुद लगाते हैं माचिस की तीली के साथ, ठीक है, आग लग जाती है, समझ आती है, लेकिन कोई और वजह भी होती है आग लगने की, क्या क्या वजह हो सकती है। वो कहते हैं जी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, बिजली के जो भी आलात हैं, बिजली के जो भी अप्लायंसेस हैं, या बिजली के जो भी आप टूल्स कह लें, उनकी वजह से आग लग सकती है, ठीक है। डेलिबरेट इग्निशन, आर्सन, यानी आतिशसदगी मवाद अगर आपके पास पड़ा हुआ आपने खुद लगा दी या खुद पड़ा हुआ चीज़ें तो वो भी लग सकती है। हॉट वर्क में क्या आता है, वेल्डिंग आ जाती है, ड्रिलिंग आ जाती है, ठीक है, और ग्राइंडिंग आ जाती है, तो ये चीज़ें हॉट वर्क में आती है, इसकी वजह से भी आग लग सकती है। स्मोकिंग, सिगरेट पी रहे हैं आप, ठीक है, कहीं सिगरेट पीते पीते आपने फेंक दिया तो फिर भी आग लग सकती है। कुकिंग अप्लायंसेस, किचन में अगर आपका चूल्हा वगैरह है वहाँ से गैस लीक कर गई या वहाँ ऑयल को आग लग गई तो ये भी हो सकता है। हीट अप्लायंसेस जो कि जैसे वॉश मशीन है, हीटर्स हैं, या आप कह सकते हैं या दूसरे जो है कुकिंग रेंज वगैरह है, ठीक है, इनको भी आग लग सकती है। अनसेफ यूज एंड स्टोरेज ऑफ फ्लेमेबल लिक्विड्स एंड गैसेस, फ्लेमेबल लिक्विड्स और गैसेस को भी आग बहुत जल्दी पकड़ती है, अगर आपने उसको सही तरीके से सेफ स्टोरेज नहीं किया हुआ तो फिर आग लग जाएगी उसको, ठीक हो गया। मैकेनिकल हीट की वजह से आग लग सकती है, केमिकल कोई रिएक्शन हो गया तब भी आग लग सकती है। कॉन्सिक्वेंसेस, इसके क्या असरात क्या होते हैं, इसके क्या सवेरिटी हो सकती है, क्या शिद्दत अख्तियार कर सकता है, क्या असरात होंगे इसके। वर्कर पीपल किल्ड एंड इंजर्ड, लोग या वर्कर या आम लोग उसमें उनकी मौत वाकई हो सकती है, वो सीरियस इंजर्ड हो सकते हैं, ठीक है। डैमेज टू बिल्डिंग एंड कॉन्टेंट्स इंक्लूडिंग स्मोक डैमेज, बिल्डिंग डैमेज हो सकती है, बहुत सारे इक्विपमेंट है वो डैमेज हो सकते हैं, मटीरियल घर का मटीरियल है, फैक्ट्री का मटीरियल है, इंडस्ट्री का मटीरियल है, वो डैमेज हो सकता है। इन्वायरमेंट डैमेज, वाटर रन ऑफ, यानी कि माहौलियात का बहुत बड़ा लॉस होता है, इस वजह से डैमेज हो सकता है, ठीक हो गया। 10.2 में है जी प्रिवेंटिंग फायर एंड फायर स्प्रेड, आपने कैसे बचाना है कि ये आग ना फैले ज्यादातर, ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कंट्रोल मेजर टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ फायर इन द वर्क प्लेस, आपने कंट्रोल कैसे करना है जी इसको, कैसे आपने इसको कम करना है रिस्क को, ताकि वर्क प्लेस पे आग फैलने का खतरा कम अज कम होना चाहिए। तो शुरू करते हैं, पहला जो है वो कंट्रोल कंबस्टेबल एंड फ्लेमेबल मटेरियल, आपने जब भी रिपोर्ट बनानी है
उसमें ये इस बात का डिस्कस करना है कि वो जो मटेरियल है फैक्ट्री का या इंडस्ट्री का या आपके ऑयल एंड गैस का, वो कहाँ पड़ा हुआ, नज़दीक पड़ा हुआ है हॉट वर्क के, दूर है, किस तरह है, क्योंकि ज़्यादातर फ्लेमेबल या कम्बस्टेबल मटीरियल को ही आग लगती है तो वो फिर फैल जाती है, जिसमें सॉलिड चीज़ें होती हैं, पेपर होता है, वुड होता है, ठीक है, और लिक्विड्स में आपके पेंट आ गया, ऑयल हो गया, डीजल हो गया, जो भी चीज़ें होगी, गैसेस हो सकती हैं, वहाँ सिलेंडर वगैरह पड़े होंगे, तो ये नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इनको कंट्रोल करना है, इनको स्टोर कर देना है एक अलग जगह पे, ठीक हो गया। कंट्रोल इग्निशन सोर्सेज, आपने इग्निशन सोर्सेज को कंट्रोल करना, अगर कोई बंदा सिगरेट पी रहा है तो उसको डेजिग्नेटेड एरिया बताना, ये नहीं हो रहा कि वहाँ सिलेंडर के भी पड़े हुए हैं और कंबस्टिबल मटेरियल भी पड़ा हुआ है और ऑयल वगैरह भी पड़ा हुआ, तो वहाँ बंदा सिगरेट पी के वहीं फेंकी जा रहा है, ये नहीं होगा, ठीक है। आतिशजदगी मवाद को भी आपने वहाँ से दूर करना है, माचिस की तीली या आप ये कह सकते हैं जो लाइटर वगैरह यूज करते हैं उनको भी आपने वहाँ से दूर करना है, ये इग्निशन ऑफ सोर्स में आ जाता है। यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन फ्लेमेबल एटमॉस्फेयर, आपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो भी है उनको आपने फ्लेमेबल मटेरियल से दूर रखना है, ठीक है। वो कैसे, एग्जांपल है एक छोटा सा कि अगर आपका जो स्विचेस वगैरह है या आपके जो वायर है जो कि इलेक्ट्रिकल की है उससे स्पार्किंग निकलती है और साथ ही कोई पेट्रोल पड़ा हुआ है या डीजल पड़ा हुआ है तो उसको फौरन आग लग जाएगी, ठीक है, और आग भी बड़ी शिद्दत से लगेगी और तबाही मचा देगी वो। सिस्टम्स ऑफ वर्क, काम का तरीका कार कैसे होगा, जो हॉट प्रोसेस मशीनरी इलेक्ट्रिकल, इन सब को आपने अलग अलग काम करना है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को अलग काम करना है आपने, हॉट प्रोसेसेस जो भी आप काम कर रहे हैं उनको अलग अलग करें आप। हाउस कीपिंग अच्छी तरीके से करें, क्लीन करें, जो वेस्टेज है उसको आप फौरन वहां से रिमूव कर दें, डिस्पोज कर दें, ठीक है। अब वो कहता है जी कि कंट्रोल ऑफ कंबस्टिबल एंड फ्लेमेबल मटेरियल के बारे में, एलिमिनेट यूज ऑल टुगेदर, कोशिश करें कि वहां से एलिमिनेट कर दें इन चीजों को, कंबस्टिबल मटेरियल को और फ्लेमेबल मटेरियल को कोशिश करें कि वहां से निकाल दें, रिमूव कर दें, ठीक है, या अगर नहीं कर सकते आप रिमूव तो सब्स्टिट्यूट कर दें किसी दूसरी चीजों के साथ, लो रिस्क हो जिसका, ठीक है। मिनिमाइज क्वांटिटीज, उसकी क्वांटिटी को कम से कम कर दें, यानी कंट्रोल करें उसको, हाउस कीपिंग अच्छी तरीके से करें, क्लीन कर दें, वेस्ट मैनेजमेंट कर लें। सेफ यूज एंड स्टोरेज इन प्रोटेक्टेड डेडिकेटेड बिल्डिंग, उसको अच्छे तरीके से यूज करना है अपने सेफ तरीके से, ठीक है, और बिल्डिंग्स को डेडिकेट कर दें, इधर आपने सामान रखा हुआ है कंबस्टिबल मटीरियल या फ्लेमेबल मटीरियल यहाँ रखा हुआ है तो आपने उसको लेबल कर देना है, ताकि ये ना हो कि कोई उस मटीरियल पड़ा हो स्टोर में तो वही कोई बंदा सिगरेट पास को सिगरेट को स्मोकिंग कर रहा है वहाँ तो वही फेंक दे, ऐसा ना हो, ठीक हो गया। अब ये जैसे आपके सामने है इस तरह आप उसको स्टोर कर सकते हैं। शुड बी स्टोर आउटसाइड, कोशिश करें कि जो भी गैस की कुछ फ्लेमेबल जिसे कहते हैं मटेरियल है, कोशिश करें इसको आप बाहर करें ताकि अंदर ना हो, अंदर हो तो खुदा ना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। स्टोरेज एरिया शुड बी फेंस्ड विद सिक्योर लॉकेबल गेट, ऐसे फेंसेस लगा दें उसको और लॉक कर दें ताकि कोई भी उसके साथ छेड़छाड़ी ना करे। वार्निंग साइन डिस्प्ले, उसके साथ वार्निंग साइन लगा दें, ठीक है, और कोशिश करें कि वहाँ इर्द गिर्द कोई सिगरेट वगैरह ना पिए, ठीक है, जो भी उनकी बोटल्स हैं उसको चेन आप लगा दें, ठीक है, और बिल्डिंग से वो थोड़ा दूर होना चाहिए, बिल्डिंग के पास नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो कि फील्ड हैं या फुल है जो कि क्या नाम है इसका सिलेंडर्स हैं उसको आपने अलहदा करना है एम्प्टी के साथ, ठीक हो गया, क्योंकि एम्प्टी भी उतने ख़तरनाक हो जाएंगे बाद में जितने फुल हैं अगर खुदा ना खास्ता कोई वहाँ प्रॉब्लम होगा। तो ऑक्सीजन बोटल नॉट बी स्टोर विद ऑक्सीजन को अलग करना है आपने, एलपीजी को अलग करना है, ठीक है, साथ साथ नहीं करना, और जब आपने इसको यूज़ कर लिया फौरन इसको स्टोर कर दें, ठीक, कहीं भी इस्तेमाल कर रहे हैं आप, वर्क प्लेस पर कर रहे हैं उसके बाद आप इसको वही स्टोरेज एरिया में स्टोर कर दें, ठीक हो गया। इग्निशन सोर्सेज को कैसे आप कंट्रोल करेंगे, कौन कौन से इग्निशन सोर्सेज हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो सकते हैं, हॉट वर्क में तो मैंने बताया था आपको, वेल्डिंग आ सकती है, ग्राइंडिंग आ सकती है, उसकी जो फ्लेम्स हैं या वो निकलते हैं तो उसकी वजह से वो इग्निशन सोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है। स्मोकिंग है, इसको ये भी इग्निशन सोर्स है, इसको भी आपने कंट्रोल करना है। कुकिंग एंड हीट अप्लाइंसेज हैं, मैकेनिकल हीट है और डिलीबरेट इग्निशन है, क्योंकि आप खुद लगाते हैं माचिस की तीली वगैरह लगा लें, तो कोई ऐसी चीज़ होगी, ठीक है, इसको आपने कंट्रोल करना है, अपने आप से बताना है, लोगों को ट्रेनिंग देनी है, बताना है कि भाई इसको आप
फ्लेमेबल और कम्बस्टेबल मटेरियल के पास नहीं करना, ठीक है, ताकि क्योंकि वो कम्बस्टेबल और फ्लेमेबल मटेरियल फ्यूल में आ जाता है तो वो फिर जाहिर है आग लगने का खतरा होगा। सिस्टम ऑफ वर्क, सिस्टम कैसे काम करता है जी, परमिट टू वर्क चाहिए हमें। पहले कोई भी काम करना है अपने हॉट वर्क से रिलेटेड, वेल्डिंग ग्राइंडिंग करनी है, ड्रिलिंग करनी है, तो आपको परमिट चाहिए, ठीक है। फिर फ्लेमिंग मटेरियल वहाँ से निकाल दें, ठीक है, और आइटम्स को रिमूव कवर कर लें, ठीक है, जो कि वहाँ से नहीं जा सकते उसके ऊपर आप कोई रख सकते हैं, जैसे ब्लैंकेट वगैरह रख सकते हैं, या फायर रेजिस्टेंस फाइबर्स रख सकते हैं, शीट्स रख सकते हैं, ठीक है, उसको कवर कर सकते हैं। तो फ्लोर अगर उस पर कोई लिक्विड पड़ा हुआ है, या आप कैसे कह सकते हैं फ्लेमेबल मटेरियल पड़ा हुआ है, तो आप उसको स्वीप कर दें, साफ कर दें, ठीक हो गया। और कोई वुडन फ्लोर वगैरह है उसको नीचे कर दें, ठीक है, जो साइड पे कर दें, और कोशिश करें कि फायरिंग एक्सटिंग्विशर्स जो हैं वो पास होने चाहिए, फायर वाचर आपके पास होना चाहिए हर टाइम, ठीक है। और पूरे एरिया को आपने अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना है जब तक काम ख़त्म नहीं होता। अब गुड हाउसकीपिंग के बारे में बता रहे हैं जी, गुड हाउसकीपिंग कैसी होगी, बड़ी साफ सुथरी तरीके से आपने करना है, कोई वेस्टेज वहाँ मौजूद ना हो, ठीक है, क्लीन होना चाहिए मुकम्मल तौर पे, ऑर्डर्स में होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है, हर चीज़, ये नहीं हो कि शैटर्ड ना हो मटेरियल, इर्द गिर्द पड़ा हुआ, क्योंकि बस मटेरियल पास पड़ा हुआ है, वही हॉट वर्क हो रहा है, वही सर, ये चीज़ें नहीं होनी, वेल ऑर्डर्ड होना चाहिए, ठीक है। और पैदल चलने के लिए रास्ता जो है पेडेस्ट्रियन रूट्स क्लियर होना चाहिए, पैदल चलने के लिए रास्ता बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। स्टोरेज ऑफ फ्लेमेबल लिक्विड्स, ये जी कैसे आप लिक्विड्स को कैसे स्टोर करेंगे, वो कहते हैं द फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट क्या होता है, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड कैन फॉर्म एंड इग्नाइट मिक्सचर इन एयर। ये लोएस्ट टेम्परेचर होता है, कम से कम टेम्परेचर होता है जो जिसमें लिक्विड जो है वो हवा के साथ मिक्स होके वो इग्नाइट हो जाता है, यानी कि आग लगने का खतरा होता है। वेपर कैन बी इग्नाइट बाय एन एक्सटर्नल इग्निशन सोर्स बट कंबस्शन इज नॉट सस्टेन्ड, ठीक है। द लोअर द फ्लैश पॉइंट जो कि कम से कम हो, इट द इजियर इट इज टू इग्नाइट द मटेरियल, जो मटेरियल को इग्नाइट कर दे, यानी उसको एक किस्म का आग लगने में मदद कर दे, ठीक है। लिक्विड्स आर क्लासिफाइड, लिक्विड्स को किस तरह क्लासिफाइड किया जा सकता है, फ्लेमेबल मटेरियल होता है, ठीक है, जिसमें आग लगने का खतरा होता है, या हाईली फ्लेमेबल हो सकता है या एक्सट्रीमली फ्लेमेबल हो सकता है लिक्विड। आपको बताया जैसे कि पेंट हो सकता है, ऑयल हो सकता है, डीजल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब वो कहता है जी कि यूज़ अ मिनिमम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड रिक्वायर, कोशिश करेंगे कम अज़ कम इसका लिक्विड इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, और लिक्विड शुड बी इन द प्रॉपर लेबल्ड कंटेनर, और लेबल उसको प्रॉपर होना चाहिए कंटेनर को, ठीक है, पता होना चाहिए कि इसमें पेट्रोल है, इसमें डीजल है, या इसमें क्या चीज़ प्रोवाइडेड है, ठीक हो गया। और द कंटेनर विल बी मेटल विद अ सेल्फ क्लोजिंग लिड, उसका ढक्कन होना चाहिए प्रॉपर तरीके से और मेटल से वो कवर हो, ठीक है, जो कंटेनर हो। यूज अ मेटल ट्रे टू कैच स्पिल्स एंड हैव ऑब्जॉर्बेंट मटेरियल अवेलेबल। अगर उस आपके पास जो ड्रम है या जो भी आपका जनरेटर है, जो भी चीज आपके पास है, कंटेनर है, उसमें अगर वो स्पिल भी कर रहा है तो आप नीचे ड्रिप ट्रे रख सकते हैं, ताकि वो जो स्पिल हो वो नीचे ना गिरे, ठीक है, वो ऑयल स्पिलेज ना हो जाए, तो उसको ड्रिप ट्रे रखेंगे ना, तो जैसे वो मतलब उसको आपको नजर आ जाएगा, आप रिपेयर भी कर सकते हैं उसको ठीक तरीके से, और वो उसको आप दोबारा यूटिलाइज भी कर सकते हैं, पेट्रोल को, डीजल को, या किसी भी चीज़ को, ठीक हो गया। यूज अवे फ्रॉम हीट एंड इग्निशन सोर्सेज, कोशिश करें कि इग्निशन सोर्सेज जैसे स्मोकिंग है उससे आप दूर रखें, ठीक है, या हॉट वर्क वगैरह है, वेल्डिंग वगैरह हो रही है, तो उससे आप दूर रखें उसको। कोशिश करें कि जो वर्क प्लेस है वो वेंटिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, वहाँ से, वहाँ ये ना हो कि वहाँ फ्यूम्स वेपर्स जो है वो इकट्ठे होते जाएँ और थोड़ा सा इग्निशन ऑफ सोर्स हो, वो धमाका हो जाए, वो एक्सप्लोजिव हो जाए वहाँ। रिटर्न्स कंटेनर्स टू सेफ स्टोरेज आफ्टर यूज, कोशिश करें जो कंटेनर, जो भी चीज़ आप यूज़ करें उसको आप स्टोर कर दें इस्तेमाल करने के बाद, ठीक हो गया। अब मजीद इसके बारे में थोड़ा बहुत बता रहा है कि स्मॉल क्वान्टिटीज, कोशिश करें कम अज़ कम क्वान्टिटी इस्तेमाल करें, ठीक है, उसको सील्ड कर दें इस्तेमाल करने के बाद, ढक्कने को बंद कर दें अच्छी तरीके से। जो फ्लेमेबल कैबिनेट है उसको वो कोशिश करें कि फायर रेजिस्टेंस हो, मेटल वगैरह इस्तेमाल हो किया हो, ठीक है, और उसके लॉक लगा दें, साइन कर दें मुकम्मल तौर पे,
स्पिल ट्रे उसके नीचे रख दें या ड्रिप ट्रे कहते हैं उसको, उसको नीचे रख दें ताकि कोई भी चीज़ स्पिल हो ऑयल वगैरह तो वो नीचे ना गिरे। अगर नीचे गिरे खुदा न खासा आग लगने का खतरा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इग्निशन सोर्सेज से उसको दूर कर दें जी। कंपार्टमेंटेशन, कंपार्टमेंटेशन में क्या है जी, कीपिंग अ फायर एंड स्मोक इन एंड आउट ऑफ एरिया ऑफ बिल्डिंग। कोशिश करें कि वहाँ कोई भी स्मोकिंग का या कोई आग का चीज़ें हैं वो बिल्डिंग से बाहर रखें। क्रिएटिंग इनक्लोज सील बॉक्सेस यूजिंग फायर रेजिस्टेंट मटेरियल, वो जो भी आप बॉक्सेस इस्तेमाल करेंगे या कंपार्टमेंट जो भी चीज़ इस्तेमाल करेंगे वो फायर रेजिस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। फायर इज कंटेन्ड इन वन पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के पार्ट में उसको आपने रखना है। ओनली फुली इफेक्टिव इफ ओपनिंग द कंपार्टमेंट वॉल्स आर सील्ड, बहुत इफेक्टिव होगा अगर आप उसको ओपन कर देंगे कंपार्टमेंट को, ठीक है, वॉल्स को। लोकल बिल्डिंग रेगुलेशन प्ले एंड मेजर पार्ट, उसकी जो लोकल बिल्डिंग रेगुलेशन कानून वगैरह जो बनाया है वो बहुत अच्छा रोल अदा कर सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड्स के हाई हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपने देखनी है। प्रॉपर्टीज क्या है जी, कॉमन बिल्डिंग मटीरियल्स की कंक्रीट होनी चाहिए, स्टील का आप इस्तेमाल करें जो कि हाई टेम्परेचर को उस पर अफेक्ट करता है। ब्रिक करें, ये भी फायर रेजिस्टेंस होती है। टिम्बर जो है थिन टिम्बर इस्तेमाल करें, ठीक है, वो भी काफ़ी देर तक सर्वाइव कर सकता है जब आग लगे, ठीक है। और इसी तरह आपने सर्विस ट्रीटमेंट कैन इम्प्रूव फायर परफॉर्मेंस, सर्विस ट्रीटमेंट जिसकी देखनी है आपने, जो स्टील की कंक्रीट होनी चाहिए, ठीक है। पेंट वगैरह इस्तेमाल करें अच्छे वाला जो कि फायर रेजिस्टेंस पेंट हो, इंस्टॉलेशन कर दें, ठीक है। और आखिर में वॉल कवरिंग, जो कि आपकी वॉल्स हैं उसको भी आपने फायर रेजिस्टेंट वॉल करना है। इंसुलेशन के बारे में बता रहा है कि जो फायर रिटेंडेंट, जैसे मैंने पहले बता दिया आपको कि जो भी इंसुलेशन करनी है वो फायर रिटेंडेंट होनी चाहिए, ठीक है, आग से बचाव के लिए होनी चाहिए। और वॉल कवरिंग, वॉल कवरिंग भी इसी तरह हो कि कैन बी फ्लेमेबल सो नीड टू बी केयरफुली सेलेक्टेड। जब अगर खुदा ना खास्ता कोई आग लगने का खतरा भी होता है तो आप उसको अच्छी तरीके से वो कवर कर सकते हैं जी। 10.3 है जी, फायर अलार्म सिस्टम्स एंड फायर फाइटिंग। इसमें क्या है जी, फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम। अगर आग लगती है खुदा ना खास्ता किसी भी फैक्ट्री में, बिल्डिंग में या किसी ऑयल एंड गैस में, तो वहाँ अगर ये डिटेक्शन लगाए होते हैं अलार्म सिस्टम तो वो बड़े इफेक्टिव होते हैं अगर वहाँ हो। अगर नहीं हो तो फिर क्या होता है जी, सिंपलेस्ट सिस्टम क्या होता है जी, समवन शाउट फायर। आपने ऊंची ऊंची आवाज़ में कहना शुरू कर देना है या चीखना शुरू कर देना है, आग लग गई है, बचाओ, भागो यहाँ से, आग लग गई है, ऊंची ऊंची कहना है, वो आपकी आवाज़ सुनकर दूसरे लोग भी चीखना शुरू कर दें। ये एक सिंपलेस्ट वे है। इसके बाद ये है कि जी सिंपल विद मोर नॉइस, हैंड बेल, कोई विसल वगैरह हो जाए, एयर हॉर्न आपके पास हो, लेकिन उसके लिए पहले आपको अवेयरनेस देनी पड़ेगी कि हमारे पास हैंड बेल है, इसको इस्तेमाल करेंगे तो खुदा ना खास आग लग जाए, कोई एमरजेंसी होगी, ठीक है। या विसल है, विसल बजाना शुरू कर दें आप ताकि लोग आपसे तरफ मुतवज्जो हो, पूछें क्या मामला है तो बताएं कि आग लग गई, ठीक है। मैनुअल ऑपरेटिंग फायर अलार्म, मैनुअल कॉल पॉइंट्स, ये एक आग हाथ से ऐसे हिलाते हैं तो वो मैनुअली आवाज़ जाती है अलार्म की, ठीक है। फायर अलार्म हो गया जी, फायर लग गई जी। इंटेलेक्ट स्मोक अलार्म, ये इंटेलेक्ट होते हैं, अगर एक जगह पे वो ऑन कर दें तो बाकी को पता लग जाता है कि यहाँ स्मोक अलार्म जो है वो बजना शुरू हो जाते हैं, तो सबको पता लगता है कि जहाँ कोई ख़तरा हो गया, आग लग गई है, तो वहाँ से वो निकल जाते हैं। ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड अलार्म, ऑटोमेटिक डिटेक्टर्स जो है वो, डिटेक्टर्स जो है वो ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। और कॉल पॉइंट्स पे लिंक विद साउंड लाइट, लिंक टू साउंडर्स लाइट, वो आवाज़ पैदा करना शुरू कर देते हैं जैसे वो उसको देखते हैं, ठीक हो गया जी। अब वो कहते हैं स्मोक डिटेक्टर, स्मोक डिटेक्टर्स क्या कहते हैं, ये स्मोक पार्टिकल्स को फौरन डिटेक्ट कर लेते हैं, छोटे हल्के से भी स्मोक उसके पास जाती है, जो धुआं जाता है तो फौरन वो उसकी जो लाइट ऑन हो जाती है और अलार्म बजना शुरू कर देता है। वेरी सेंसिटिव होता है, शुरू में वो वार्निंग देना शुरू कर देता है, ठीक है। आयनाइजिंग होता है और ऑप्टिकल होता है, ये दो तरह के इसकी टाइप्स होती हैं। कैन गिव राइज टू फॉर, और ये भी हो सकता है कि वो आपको गलत अलार्म दे दें। स्मोक डिटेक्टर्स जो लगे होते हैं ये अक्सर लगे होते हैं फैक्ट्रीज में या बिल्डिंग्स में लगे होते हैं, ये यहाँ ये जो होटल्स वगैरह यहाँ लगे होते हैं। हीट डिटेक्टर्स भी होते हैं, डिटेक्ट एक्सेस हीट जनरेटेड बाय फायर, क्योंकि गर्माइश अगर तक पहुँचती है तो वो फिर डिटेक्ट करते हैं और फिर अलार्म बजना शुरू करते हैं। ये भी सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, लेकिन वार्निंग ये बाद में देते हैं।
इसकी दो तरह की होती है जी टाइप्स, एक रेट ऑफ राइज एंड फिक्स टेम्परेचर। एक फिक्स टेम्परेचर का बताते हैं और जब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है तभी बताते हैं। ये मे नॉट डिटेक्ट फायर्स डेट आर गिविंग ऑफ स्मोक बट नॉट मच हीट। ये ज़रूरी नहीं है कि फायर के बारे में बताएं, क्योंकि ये जस्ट स्मोक के बारे में हो सकता है, उसके बारे में भी दे सकते हैं। ठीक है, पोर्टेबल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। पोर्टेबल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट कौन से होते हैं? फायरिंग एक्सटिंग्विशर होता है पहले नंबर पे, जो आपने अक्सर देखा होगा हर फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, ऑयल एंड गैस में, हॉस्पिटल्स में, शॉप्स में, इवन के गाड़ियों में ये इस्तेमाल होता है। पोर्टेबल से कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, ये होता है, ये 3 kg का भी होता है, 4 kg का भी, 6 kg का भी होता है, 8 kg का भी होता है, ये मुख्तलिफ डिफरेंट साइज के हिसाब से होते हैं इनके। ठीक है, फायर ब्लैंकेट्स यूज़ होती हैं, ये ज़्यादातर यूज़ होती है किचन में, खुदा ना खास आग लगे उसको फौरन बुझा दिया जाए। ठीक है, होज़ रेल, ये जो है होज़ रेल के बारे में, ये लंबी लंबी आपने देखा होगा पाइप होता है बड़ा सा, अब खुदा ना खास कहीं आग लग गया तो फौरन लेके भाग दे। बिल्डिंग्स में ज़्यादातर होता है ये सिंप्लिकल सिस्टम, ये ऑलरेडी इंस्टॉल किया होता है बिल्डिंग में, अब खुदा ना खास आग लगती है तो फौरन वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर पानी या उसके ऊपर पानी या उसके ऊपर जो भी फोम या जो भी उसके ऊपर पाउडर वगैरह वो उसको बुझा देता है जी। ये क्लासिफिकेशन जो थी हमारी इसकी फायर की, उसको बारे में वो एक्सटिंग्विशर बता रहा है कि कौन सा कहाँ कहाँ होता है। जो कि क्लासिफिकेशन ए है, जिसमें सॉलिड थी, जिसमें था क्या नाम, पेपर था, वुड था, प्लास्टिक थे, उसको अगर आग लगती है तो किस तरह बुझ सकती है? पानी से बुझ सकती है, फोम से भी बुझ सकती है, ड्राई केमिकल पाउडर से बुझ सकती है। ठीक हो गया, जो बी थी लिक्विड, वो वाटर से बिल्कुल नहीं बुझ सकती, अगर वो वाटर फेंकेंगे तो वो ज़्यादा भड़केगी। ठीक है, फोम से बुझ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड से बुझ जाएगी, ड्राई केमिकल पाउडर से बुझ जाएगी। ठीक है, सी पे जो है वो मेटल्स थे, सी पे सॉरी गैसेस थी, तो गैसेस जो है वो सिर्फ ड्राई केमिकल पाउडर से ही होंगी। डी जो है वो भी मेटल्स थे, वो भी सिर्फ ड्राई केमिकल पाउडर से। फैट जो है वो वेट केमिकल से होंगे। ठीक है, और जब इलेक्ट्रिसिटी है उसके लिए दो बहुत जबरदस्त हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पाउडर, ड्राई केमिकल पाउडर। लेकिन ड्राई केमिकल पाउडर इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि कोशिश करते हैं ना ही किया जाए, क्योंकि ये हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को उसको ख़राब भी कर सकते हैं, तो ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड ही यूज़ किया जाता है। तो इसमें एक जेहन में रखने वाली बात है कि जो ड्राई केमिकल पाउडर का देखें तो ऑलमोस्ट हर जगह ही फिट हो रहा है एफ के अलावा। तो एफ़ जो है वो किचन है, तो किचन में वो इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि केमिकल है, तो केमिकल वो फिर खाने में चला जाएगा तो नुकसान हो सकता है, तो इसलिए वो इस्तेमाल वहाँ नहीं किया जाता, तो उसमें वहाँ वेट केमिकल इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जेहन में रखिएगा, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ये क्वेश्चन भी किया जाता है इंटरव्यूज़ में, पता पूछा जाता है कि ये कैसे, इसको किस तरह आपने हल करना है, किस तरह करना है। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। सीटिंग मेंटेनेंस एंड ट्रेनिंग, क्या करना है जी? ऑन फायर एग्जिट रूट, आपने फायर एग्जिट रूट्स को आपने अच्छे तरीके से देखना है। ठीक है, क्लोज टू एग्जिट डोर्स, आपने जो एग्जिट डोर्स हैं उसके साथ आपने लगाना है। ये कहाँ आपने फिट करना है ये बता रहा है फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। ये फायर एग्जिट रूट्स जो कि बाहर निकले रास्ता, उधर आपने रखना है, एग्जिट डोर के पास रखना है इसको। ठीक है, जो कि हैजर्ड्स हैं स्पेसिफिक, अगर इलेक्ट्रिकल का हैजर्ड है वहाँ, या वहाँ हॉट वर्क हो रहा है, या वहाँ कोई और भी काम हो रहा है, उसके पास रखते हैं। फ्लेमेबल मटीरियल है, कंबस्टेबल मटीरियल पड़ा हुआ है, वहाँ उसके आप रख सकते हैं। ठीक है, वॉल के साथ फिक्स कर सकते हैं, ट्रॉली के साथ रखते हैं, नज़र आना चाहिए, साइन कर दें। ठीक है, और पहुँचने में आसानी हो, ये ना हो कि नीचे आपने सामान रखा हुआ है वो नज़र कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, इंस्पेक्शन आपने इसकी रेगुलरली करनी है, फ्रीक्वेंट बार बार करनी है। ठीक है, और मेंटेनेंस इसकी देखनी है आपने, साल में एक बार तो लाजमी देखनी है, कोई सर्टिफाइड इंजीनियर होना चाहिए जो कि इसकी इंस्पेक्शन भी करे, टेस्टिंग भी करे। ठीक है, और इसको मेंटेनेंस भी करे। ठीक हो गया, थ्योरी ट्रेनिंग इसकी आपको थोड़ा बहुत बताना चाहिए, आपको थ्योरी के बारे में बताना चाहिए, फिर आपको प्रैक्टिस करवानी चाहिए, फिर पता लूँ जो फायर एक्सटिंग्विशर की टाइप्स है उसको कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, फिर आपको उसके रेगुलेशन के बारे में, कानून साजी के बारे में पता होना चाहिए, किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है, उसका क्या क्या फ़ायदा होता है। एक्सेस फॉर फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज, अगर आग लग जाती है तो फिर आपने वहाँ से निकलना कैसे है, ये आपको बता रहे हैं। द रिक्वायरमेंट फॉर व्हीकल एक्सेस डिफरेंट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ फायर मीन्स, किस तरह की फायर है, अगर आपको व्हीकल की जरूरत पड़ गई है। ठीक है, तो आपने बताना है कि फायर किस तरह की, बिल्डिंग कितनी बड़ी है, कौन कौन से अप्लायंसेज वहाँ यूज़ हो रहे हैं, स्मॉल बिल्डिंग है, ठीक है, लार्ज बिल्डिंग है, ठीक है, उसका कितना साइज है, कितना उसका पैरीमीटर है,
ठीक है, ये सारी चीज़ें उसको डिस्कस करनी है। फायर एवैक्यूएशन आपने निकलना कैसे है जी, 10.4 है ये, आपने अगर खुदा ना खासा आग लगती है तो आपने वहाँ से बच के निकलना कैसे है। मीन्स ऑफ स्केप, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपने वहाँ से निकलने का रास्ता कौन सा है। अवेलेबल टू एवरी पर्सन इन द वर्क प्लेस, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से लोग वहाँ वर्क प्लेस पे हैं, ठीक है। और डज नॉट रिक्वायर यूज ऑफ लिफ्ट एक्सपेक्ट इन स्पेशल केसेस, आपने किसी को उठाने की कोशिश नहीं करनी या किसी चीज़ को उठाने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है। आपने अपनी सेफ्टी का ख्याल करना है वहाँ, ठीक है। और होना ये चाहिए कि दो या दो से ज़्यादा रूट्स हों, ठीक है, निकलने के लिए बाहर। और ट्रैवल जो डिस्टेंस है वो भी छोटा होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से विड्थ होनी चाहिए, नहीं कि उसकी मोटाई जो निकलने का गुजरने का रास्ता है वो काफ़ी होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, क्लियरली साइन होने चाहिए, मतलब कि नज़र आना चाहिए कि अरे कहाँ से निकलने का रास्ता पता होना चाहिए, साइन बोर्ड लगा दें, ठीक है। और अच्छे तरीके से वहाँ से मतलब वेंटिलेशन सिस्टम वहाँ अच्छा होना चाहिए, एम्बुलेंस लाइटिंग लगानी चाहिए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, ये ना को वहाँ मटेरियल वगैरह पड़ा हो, कोई बोटल के बॉक्सेस पड़े हों, वहाँ से गुजरने का रास्ता ही नहीं है, ठीक है। तो ये जिम्मे रखनी चाहिए आपको। स्टेयर्स एंड पैसेज वेज, अगर स्टेयर्स हैं या कोई गुजरने के रास्ते हैं वहाँ, तो फिर क्या होगा, वहाँ फायर रेजिस्टेंस प्रोटेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि वहाँ भी आग भड़क के ऊपर आ रही है स्टेयर्स पे, तो ऊपर नीचे उतना मुश्किल हो गया, तो उसकी जो मोटाई है विड्थ जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। अगर व्हील चेयर का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ, तो वहाँ को ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, कुछ मटीरियल वहाँ नहीं पड़ा होना चाहिए कि वहाँ आप ट्रिप कर जाए, ठीक है। और स्टोरेज जो है वहाँ किसी किस्म की नहीं होनी चाहिए। डोर के बारे में बता रहे कि आसानी से ओपन होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर इसकी विड्थ होनी चाहिए, और इसकी जो डायरेक्शन है वो भी ठीक होनी चाहिए, लॉक नहीं होना चाहिए, ये ना हो कि आग लग गई है वो चाबी नहीं मिल रही, ठीक है, तो अंदर ही फंस गए सारे बेचारे, मसला बन जाएगा, तो चाबी वगैरह लॉक नहीं होना चाहिए। एमरजेंसी एस्केप लाइटिंग, लाइटिंग के बारे में बता रहा है जी, एट नाइट और वेयर देयर इज नो नेचुरल लाइट, और कोशिश करनी है वहाँ प्रॉपर तरीके से आपने एमरजेंसी लाइटिंग लगानी है वहाँ जहाँ नेचुरल लाइट नहीं है, या रात का टाइम है, या लाइट जा सकती है, लूट छड़ी जैसे पक्षी में होती है बाजू का, ठीक है। वो हो ये कि जी आपको इंडिकेट करे, बताए कि यहाँ यहाँ इशारा दे के, या यहाँ से आप निकलने का रास्ता है, ठीक है। और कॉल पॉइंट और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट के बारे में बताए कि यहाँ जहाँ पड़े हुए हैं, ठीक है, मेंटेनेंस आपने उसकी करते रहना है लाइटिंग की, और इंस्पेक्शन भी करनी है। एग्जिट एंड डायरेक्शन साइन, साइन के बारे में बताया कि स्टैंडर्ड शेप होना चाहिए, कलर उसका सही तरीके से स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है, समझ आना चाहिए, जो कि आपके सामने ग्रीन और वाइट होना चाहिए, पिक्टोग्राम उसकी क्लियर होनी चाहिए, पता होना चाहिए, और नज़र आना चाहिए क्लियरली, ठीक हो गया। असेंबलिंग पॉइंट्स, क्या जी, सेफ डिस्टेंस फ्रॉम बिल्डिंग, बिल्डिंग से सेफ डिस्टेंस होना चाहिए, सेफ लोकेशन के पाए होना चाहिए, ठीक है। फर्दर इस्केप पॉसिबल इफ नीड, अगर कोशिश करें ज़्यादा इस्केप की ज़रूरत है तो फिर उसको हिसाब से देखें, ठीक है। फायर फाइटर होने चाहिए, साइन लगे होने चाहिए, ठीक है। वर्कर्स के लिए प्रॉपर आपको करना पड़ेगा, ठीक है, रिफ्यूजी सिस्टम लगाना पड़ेगा, कोई आपको निकालना पड़ेगा वहाँ से। यह जी प्रोसीजर होता है एमरजेंसी एवैक्यूएशन प्रोसीजर, वो कहते हैं एम्फेसिस इज ऑन पर्सन, साउंड अलार्म, पहले अलार्म सिस्टम बजना चाहिए, फिर आपने बिल्डिंग से निकलना, फिर बिल्डिंग से बाहर ही रहना, ये नहीं होना कि आपने हीरो बनते हुए, अक्षय कुमार या शाहरुख खान बनते हुए अंदर बिल्डिंग में घुस जाना है कि दो चार बंदों को निकाल लूँ, ऐसे नहीं कर सकते आप। मोर कम्प्लेक्स प्रोसीजर्स नीडेड फॉर सम वर्क प्लेसेस, कुछ जगह के लिए आपको प्रोसीजर्स जो है वो इस्तेमाल करने पड़ेंगे, जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह या फायर मार्शल जो है, ये इसकी ड्यूटी क्या होती है, फायर फाइटर हो गया या फायर मार्शल हो गया, इसकी ड्यूटीज क्या है जी, चेक ऑल एरियाज आर वेकेंट, पहले अपने एरियाज को चेक करना है कि वो ठीक है नहीं, गुजरने का रास्ता है कि नहीं, फिर आपने डिसेबल और इनफॉर्म वर्कर्स को देखना है कि कोई डिसेबल तो नहीं है वहाँ, उसको आपने निकालना है, ठीक है। फिर आपने ये चेक करना है कि जो बाहर निकले के रास्ते हैं वो क्लियर हैं, कोई वहाँ आगे सामान सामूद नहीं पड़ा हुआ। फिर विंडोज़ और डोर्स के बारे में देखना है कि आपको क्लोज है, ठीक है। फिर आपने असेंबली पॉइंट के लोगों को आपने रोल कॉल लगानी है, हाजिरें लगानी है, पता हो कि आप कौन कौन बंदे अंदर हैं कौन बाहर हैं, ठीक है। रोल कॉल इंश्योर आर पर्सन, आपने काउंट करने हैं सारे बंदे, ये सारे बंदे वहाँ हैं, ठीक है। मे नॉट बी प्रैक्टिकल, हो सकता है कि सुपरमार्केट है जैसे, या कोई कैरेफोर है, या जैसे कोई मेट्रो है, उस तो अंदर गए बंदे, आप काउंट नहीं कर सकते कितने बंदे अंदर गए हैं, तो यहाँ मुश्किल हो सकता है, ठीक है। बिल्डिंग प्लान्स एंड एमरजेंसी स्केप्स, बिल्डिंग प्लान्स के बारे में बताया कि फायर प्लान शुड इंक्लूड, फायर प्लान जो बनाएंगे आप, उसमें जो कुछ चीज़ों का आपने
ध्यान रखना है, ठीक है, कौन कौन लोग अंदर जा सकते हैं, ठीक है, उनके खिलाफ आपने एक्शन कैसे लेना है, ठीक है, अगर खुदा ना खास्ता फायर लग जाए, ठीक है, एस्केप रूट्स के बारे में आपने डिस्कस करना है, कैसे एस्केप वहाँ से करना, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट कौन कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं वो आपने देखने हैं, और कौन कौन से आप एक्शन ले सकते हैं निकलने के लिए, ठीक है, वो ट्रेनिंग देनी है आपने, ड्रिल वगैरह दे सकते हैं आप लोग, ठीक हो गया। ट्रेनिंग के बारे में बता रहे हैं कि ट्रेनिंग किसको देनी है आपने, एम्प्लॉयज़ को देनी है, कॉन्ट्रैक्टर को देनी है, विजिटर्स को देनी है, ठीक है, ट्रेनिंग और स्टाफ को देनी है, किस तरह की ट्रेनिंग देनी है, मिसाल के तौर पर आपके फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज़ करना है इसका, फायर मार्शल के बारे में, ठीक है, डिसेबल जो इन्फॉर्म पीपल हैं उसके बारे में, फायर टीम के बारे में, ठीक है, फायर ड्रिल्स जो है वो आपने कैसे करनी जी, एक साल में दो मरतबा लाजमी करें, ठीक है, उसमें स्टाफ आपका हो, ठीक है, और टेस्टिंग प्रोसीजर्स होने चाहिए, रिकॉर्ड को आपने रखना है। ये हमारा आज का जो टॉपिक है ख़त्म हो चुका है, ठीक हो गया। अब ईमेल एड्रेस आपके सामने है मेरी, आप कोई क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे, कोई बातचीत पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह पेपर भी आप बहुत जल्द डिस्कस करेंगे, IGQ की रिपोर्ट डिस्कस करेंगे बहुत जल्द, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट भी आपके सामने है, कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई अगर आपने मसला है, कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। नेक्स्ट टॉपिक लेके इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।